यहाँ तो आ रहा है पूरा चौड़ा नाला, दरगाह वाला जैसे ही मेन गेट आता है ना, यहाँ से लेके नीचे टोटल छपड़ी नाली हो गई, और 1,40,00,000 रुपए का टेंडर हुआ था जिसमें 45,00,000 रुपए का काम। इस दिवाली नवरानी का करे स्वागत, तनिष्क लेकर आया है आपके लिए न्यू नवरानी कलेक्शन। जुड़िए तनिष्क के साथ और ऐतिहासिक रानियों से प्रेरित कलेक्शन से संवारे अपने आप को। खूबसूरत गहने शानदार ऑफर्स के साथ सिर्फ तनिष्क शोरूम, वैशाली नगर, मेन रोड, अजमेर। दरगाह बाजार जो है एक पवित्र स्थान है, और पूरा मार्केट दरगाह बाजार में जितने जायरीन आते हैं वो सब दरगाह के अंदर मेन गेट से, निज़ाम गेट से 90% लोग वहीं से जाते हैं, और वहाँ पे रोज़ सुबह फजर की अजान नमाज के वक्त दरगाह बाजार पूरा गंदा पानी बह रहा है। इस काम को लेके हम मेयर साहब के पास आए थे, मैडम के पास, वो मैडम ने हमें आश्वासन दिया कल सुबह हेल्थ ऑफिसर हमारे वहाँ पे साइट पे 11 बजे आके विजिट करेंगे। जो भी सफाई की व्यवस्था की और जो भी समस्या है उन्होंने कहा जैसे ही आप बोलोगे वैसे हम दूर करेंगे। रात को कर्मचारी आज तक पूरे 4-5 साल हो गए, नाइट के अंदर एक भी कर्मचारी नहीं चल रहा है, वो भी मैम को हमने अवगत कराया, तो मैम ने कहा इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी, मतलब कल से बात हो जाएगी। तो मैडम ने कहा नाइट के अंदर मैं 4 कर्मचारी नाइट के अंदर अलाउ कर दूंगी, और नाइट के अंदर जो भी सफाई की कर्मचारी की व्यवस्था है वो सब भी लागू करूंगी। आश्वासन दिया हुआ पूरा होगा इंशाल्लाह? नहीं नहीं जरूर होगा, नहीं होगा तो आगे दूसरी कार्रवाई की जाएगी। और जो सेक्रेटरी वगैरह सभी आज यहाँ आए थे, तो दरगाह बाजार से लेकर और अपना नाला बाजार पूरा बोलेंगे। यहाँ पर जो है पानी, मतलब नालियों की सफाई नहीं होती और लोग जो है कचरा नाले में डाल देते हैं, उसको लेकर आज शिकायत करने आए थे। तो आज हेल्थ ऑफिसर को बुलाया और कहा है कि भाई कल जाओ और देख कर आओ जो नालियाँ बंद है वो किस क्यों बंद है, और सभी जो एक अतिक्रमण की भी कहते गए कि बहुत अतिक्रमण कर लिया लोगों ने वहाँ पर, तो उसको भी चालान अभी अतिक्रमण का भी जो है उनको सबका चालान कटेगा और सारे अतिक्रमण भी हटवाऊँगी। तो इस तरह से जो नालियों की सफाई भी है वो भी करवाई जाएगी। तो ये कह रहे हैं रात के नहीं है तो रात के जो कर्मचारी रहते हैं उनको भी लगाया जाएगा ताकि जो दरगाह क्षेत्र की सफाई अच्छे से हो सके।